स्टार्टिंग तक, जून के फर्स्ट वीक तक ना अपनी लॉन्ग राइड हो जाएगी। रिएक्शन क्रेजी भाई, क्रेजी योगी देखो बहुत इतने हिल रहा है, पता नहीं भाई पिकअप का भी क्या इशू आ रहा है, वो भी बहुत कम हो चुका है। क्लच जैसी छोड़ते हल्की सी रेस देते वैसी बंद होती है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बज रहा हो। और बाकी ना इसका जो इंजन है वो गर्म भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है, बहुत अच्छे ज़्यादा जल्दी हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाई डब्ल्यू व्लॉग्स। तो भाई आज शुरू कर रहे हैं हम अपनी एक और आईपर राइड, और मेरे पीछे बैठा है एक बंदा और साथ में हमारे पाँच वाले भाई है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आइए भी करते हैं शुरू। कर लिया बाइक को स्टार्ट, पहला गियर डाल लिया, चलो। अब आप भाई देखो बस, अब बस आप लीन एंगल चेक करो भाई। और अपने को डरने की बात इसलिए नहीं क्योंकि अपनी बाइक में ना ABS इक्विप्ड आता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब पहुँच वाले भाई को बिल्कुल फॉलो करते रहेंगे हम पीछे पीछे बिना कोई टेंशन के। हो सकता है आज वीडियो छोटी हो कि पूरा हाइपर रन चल रहा है ना अपना, इस वजह से। और अभी उतर के ना अपने जो पीछे भाई बैठा है उससे भी ये पूछेंगे कि भाई कैसा लगा उसका एक्सपीरियंस। बाकी तब तक आप हाइपर राइड एंजॉय करो। बाकी भाई क्लोज कॉल्स तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और अपनी बाइक में थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, वो भी अभी आपको वीडियो में आके बताता हूँ मैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। बस पहले थोड़ी हाइपर राइड एंजॉय हो जाए ना, फिर बताते हैं। हाँ भाई कैसा लगा अभी तक? क्लोज कॉल में तो भाई डर लगता ही लगता है। बाकी अपाचे वाला भाई भी चल ही रहा है साथ साथ पीछे पीछे। बाकी भाई आपको बहुत जल्दी ना एक संडे रेडियो की वीडियो भी देखने को मिलेगी, पेपर चल रहे थे ना इस चक्कर में थोड़ा वीडियो में डिले हो रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है इस सच, क्योंकि यार पेपरों में ना थोड़े घर वाले मना कर देते हैं कि बाहर नहीं जाना, तो आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। बाकी लॉन्ग राइड का भी सीन बन रहा है, और होपफुली जून के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी हमारी लॉन्ग राइड भी, जहाँ तक है ना प्लान तो हो ही जाएगी हमारी लॉन्ग राइड भी। बाकी आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको वॉइस भी ठीक आ रही होगी मेरी। बाकी भाई ट्रैफिक में जो मज़ा आता है ना हाइपर राइड करने का, वो किसी और चीज़ में है नहीं। और अभी हमारी ना थोड़ी अपाचे वाले भाई से ना टाइप ऑफ ड्रैग रेस चल रही है, आओ देखते हैं अपाचे वाला भाई क्रॉस कर पाता है नहीं कर पाता। वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं करने का क्योंकि आगे आ चुका है ट्रैफिक, और देख के चलानी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि देख के नहीं चलोगे तो आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, क्रैश होने के होते बहुत ज़्यादा चांसेस। और जिस हिसाब की हमारी जा रही है ये हाइपर राइड, तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग ना कवर कर रहे रास्ते को। बाकी देखते कितनी देर की रहती है कितनी देर की नहीं। बाकी भाई अब हमको आगे से मुड़ना है लेफ्ट, जनकपुरी में एंट्री हो जाएगी अपनी। हाँ भाई ऐसे लोगों पे ना बड़ा गुस्सा आता है भाई मुझे। बाकी भाई लीन एंगल जो हो रहा है ना आज कति एक नंबर हो रहा है, लीन मज़ा आ रहा है लीन करने में। और पहुँच चुके हैं जनकपुरी में, अभी आगे चलेंगे राइट, फिर एक बार रोक के ना आपको दिक्कत दिखाता हूँ बाइक में कौन सी दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ में आपको भाई का रिएक्शन भी दिखाएंगे जो हमारे पीछे बैठा था, कि भाई का रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि मैं लीन ना बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ इस वक्त मेरे को पता है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है लीन करने में। आओ एक बार यहाँ पर वेट करते हैं भाई का,
कहाँ रह गया ये, आ रहा है ना। तो भाई सबसे पहले आपको मिलाता हूँ पीछे वाले भाई से। भाई ये भाई है। हाँ भाई, कैसा रहा रिएक्शन? क्रेजी भाई, क्रेजी। मज़ा आया आज तो, बहुत ज़्यादा लीन हो गया था मेरे से। तो भाई देखो, जो दिक्कत कह रहा था ना, एक तो ये है कि ये देखो मीटर पूरा हिल रहा है, और ये मीटर का ना ये अलग हो रहा है। अब पता नहीं है होता जैसे ये अभी हो रहा है, वैसे तो पहले नहीं था, तो अभी इसकी दिक्कत आ रही होगी। ये देखो बहुत इतने हिल रहा है, किस चीज़ की दिक्कत हो बताना कमेंट सेक्शन में अगर पता हो तो। बाकी इस भाई के साथ मैं लेके जाऊँगा कल करोल बाग में दिखाने के लिए, तो उसका भी व्लॉग आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। बाकी एक दिक्कत जो और आ रही है वो आ रही है इसी क्लच की, किसी क्लच ना खुद ही से बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, और थोड़े ना पिकअप भी इसका इशू कम हो गया है। भाई पिकअप भी बहुत कम हो गया ना इसका पहले से, तो पता नहीं भाई पिकअप का भी क्या इशू आ रहा है, वो भी बहुत कम हो चुका है। और एक दिक्कत इसमें और आ रही है ना कि बाइक चलते चलते बीच में हो जाती है बंद, फर्स्ट और सेकंड गियर पे। क्लच जैसी छोड़ते हल्की सी रेस देते वैसी बंद होती है, मतलब बार बार तो नहीं हो रही लेकिन काफ़ी टाइम्स हो चुके हैं, 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम जाकर दिखाएंगे सर्विस सेंटर पर, देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। बाकी तो फिलहाल में और कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको किसी का भी दिक्कत का सोल्यूशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई जितनी आवाज़ इसकी पहले आती थी उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ इसकी बढ़ चुकी है इंजन में। ऐसा लगता है किसी चीज़ का कोई चीज़ ना ऐसा लगता है हिल रही हो, है ना, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बज रहा हो। और बाकी ना इसका जो इंजन है वो गर्म भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है, बहुत अच्छे ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं, जाके दिखाना है शोरूम में जाने का टाइम मिल जाए बस। बाकी आपको अगला व्लॉग मेरे ख्याल से सीधा उसी चीज़ का मिलेगा, तो आपको मैंने बस बताना था कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। चलो थोड़ी सी छोटी सी हाइपर राइड और होगी हमारी, अब फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। तो चलो चलते हैं, चलो आओ भाई, छोटी सी जो हाइपर राइड बची है कंटिन्यू करते हैं। ये देखो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, उछालूँ भाई इस बाइक के ना। भाई जो मर्जी बोलो सस्पेंशन एक नंबर है भाई, मतलब दिक्कत नहीं लगती कुछ भी। बाकी ब्रेक्स हैं भाई, इस वजह से हाई स्पीड्स में चलाने में डर नहीं है। बाकी भाई देखो वैसे तो ABS वाली ब्रेकिंग है, तो इतना ज़्यादा डर वैसे किसी चीज़ का है भी नहीं, क्योंकि जब टायर लॉक ही नहीं होगा तो डर किस बात का। आओ भाई आज आपके लिए हाइपर राइड को ना थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम, जिससे आप लोगों को भी थोड़े मज़ा आए और ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए। भाई तो ट्रैफिक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत लगती है भाई, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है भाई। इतने ट्रैफिक में भाई हाइपर राइड करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा जगह मिल नहीं पाती, ज़्यादा जगह जब नहीं मिलेगी तो हाइपर राइड करने मज़ा भी नहीं आएगा। पर कोई बात नहीं, छोटी छोटी जगह से निकालने में भी मज़ा आता है बहुत ही ज़्यादा। बाकी भाई हमारा पूरा रास्ता तो भाई वैसे देखा जाए कंपेरेटिवली 10-15 मिनट के अंदर पूरा हो चुका है कवर। अब ये जो कट है यहीं पर हमको रोकना है, हमारा पीछे वाला भाई उतरेगा, फिर हम यहाँ से जाएँगे घर। और स्पीड ब्रेकर है भाई, ABS सेव्ड अस। रोकते हैं भाई को, उतारते हैं फिर चलते अपना घर। हाँ जी भाई यहीं तक था भाई अपना सफ़र। चलो भाई कल मिलते हैं, ठीक है, जाओ आराम से जाइयो। चलो भाई, भाई को उतार दिया, चलते घर वापसी। और भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप में से किसी को पता है ना कि जो दिक्कत आ रही है मेरे साथ क्यों आ रही है बाइक की, मतलब बहुत जल्दी हीट हो रही है। देखो अभी जैसे बंद हुई मोड़ते वक्त, ये पहले और सेकंड गियर पे ना बड़े पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है थोड़े दिन से, 3-4 दिन से, मतलब कि ना हल्की सी क्लच छोड़ती है रेस देती ना ये बाइक बंद हो जाती है। और इसके इंजन में से आवाज़ ऐसा लगता है ना कुछ बज रहा हो अंदर, इंजन के अंदर ऐसा लगता है आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। पिकअप थोड़ा कम हो चुका है, क्लच खुद ही ढीला हो गया भाई, और आगे भी आपको मैंने दिखाया है जो मीटर नंबर प्लेट होल्डर है वो इतना ढीला पड़ा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई, अगर आप में से किसी को भी पता हो। वैसे तो मैं जाना चाह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्विस सेंटर पे जाना चाह रहा हूँ, पर यार पेपर की वजह से ना जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, दिक्कत सारी की सारी ये आ रही है। और अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि मैं इसका भगा रहा हूँ ना, तो ये 94-95 पर जाकर ऐसा लग रहा है बैक मार रही है, उससे आगे जा नहीं रही, तो उसका भी रीज़न बताना अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो। बाकी तो सर्विस सेंटर पे जाना ही है, मैंने उनको बोलूँगा यार मैं अभी नई नई बाइक है, देखो सिर्फ 1662 की मतलब 1600 किलोमीटर चली है अभी बस, 1600 किलोमीटर में ऐसी दिक्कतें तो आती नहीं यार वैसे।
वैसे फर्स्ट स्टॉक लेने का भाई ये डिसएडवांटेज रहता है। मैंने अपनी बाइक फर्स्ट स्टॉक से उठाई थी ना, फर्स्ट स्टॉक में बड़ा दिक्कत रहती है इस चीज़ की कि बड़े ना इशू निकलते हैं फर्स्ट स्टॉक की बाइकों के साथ। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी हीट हो रही है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम बाइक पर इतना लोड डाल रहे हो। भाई देखो चलो ये तो गर्मी का मौसम है समझ गया, लेकिन दोपहर का मौसम है मैं ये भी समझ गया, लेकिन इसका डेली का है। मैं सुबह निकालूँ, मैं रात को निकालूँ, मैं जब मर्जी निकालूँ, ये मुश्किल ना दो मिनट चलाऊँगा, सिर्फ दो मिनट, ठीक है ना। दो मिनट में कितनी चलती है मुश्किल, चलो दो मिनट के अंदर तुम एक किलोमीटर मान लो, एक किलोमीटर चल जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो रीज़न बताना भाई कि क्यों होती है, मेरे को तो समझ नहीं आता क्यों होती है, पर भाई जो मर्जी बोलो, आज की हाइपर राइड करके भाई मज़ा आ गया, कसम से मुझे खुद को मज़ा आ गया, क्योंकि जिस एंगल पे मैंने लीन करी है ना, मेरे को पता है आज जितना लीन करता हूँ मैं उससे काफ़ी ज़्यादा लीन कर दी थी मैंने। और भाई अपने घर के आसपास का दोबारा पहुँच चुके हैं हम एरिया में, तो अपनी हाइपर राइड मुश्किल से एक या दो मिनट की और होगी, फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। और हाँ भाई एक अपडेट में और दे दूँ, इस महीने एंड यानी कि जून के महीने तक, स्टार्टिंग तक जून के फर्स्ट वीक तक ना अपनी लॉन्ग राइड हो जाएगी। तो चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अभी ना एक्चुअली थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है भाई, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग रखना नहीं चाह रहा, तो जितना हो गया उतना काफ़ी है। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।